सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पर, मैं हूं आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको 20 मार्च को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना है और कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो एक पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो सारे मेरे व्यूअर्स थे वो मुझे कमेंट करके बताते थे कि मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन बताओ, आप इंट्राडे में कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, और जो बिगनर्स हैं जिन्हें टेक्निकल चार्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो कैसे अपना एक स्ट्रैटेजी यूज़ करके टेक्निकल चार्ट्स को हल्का हल्का सीख के कैसी स्ट्रैटेजी से वो अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें मैं यूज़ करता हूँ और हमेशा प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो वही सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जो मैंने आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन बताया है कि इंट्राडे में कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है, तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड में, और वरना डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक शो हो जाएगा और इस वीडियो के आखिरी में आपको वो वीडियो शो हो जाएगी। तो जाके ज़रूर देखिए, और इस आई में आपको भी शो कर रही होगी वो वीडियो, इस आई पे आप कार्ड पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो को देख के आप अपना खुद का ट्रेड ले सकते हैं और इंट्राडे में वर्क कर सकते हैं। तो उससे मैंने आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताई है जो आपके लिए बहुत वर्क करेंगी और आप हल्के हल्के करके मार्केट को सीख भी पाएंगे। तो वो तो आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 5 स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। मैंने आपके लिए मंडे के मार्केट में वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें कहा था कि मैं थोड़ा कन्फर्म नहीं हूँ कि मार्केट शायद ऊपर खुले या नीचे खुले। तो मैंने आपको जो स्टॉक सजेस्ट करे थे, मैंने आपको बताए थे कि सारे स्टॉक्स सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट शायद नीचे ही गिरेंगे स्टॉक्स। तो उसमें कुछ रेंज बाउंड अटक गए थे क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ना था और वो नीचे की तरफ चले गए थे। तो मेरे आपको सारे स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिख गए होंगे आज के मार्केट में, पर कल के मार्केट में ऐसा नहीं होगा। मैंने बहुत स्पेसिफिकली आपके लिए स्टॉक्स चुन के लाया हूँ। मार्केट का ट्रेड समझाने के लिए, निफ्टी का ट्रेड समझाने के लिए हमने देखा कि निफ्टी 200 डीएमए के नीचे जाके क्लोजिंग दिया। तो हमें देखना है कि निफ्टी का ट्रेड क्या बन रहा है और कहाँ तक जा सकती है, वो मैं चार्ट्स में आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। 5 स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, टाइटन, एस्कॉर्ट्स, TV18 ब्रॉडकास्ट, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, PC ज्वेलर्स। ये 5 स्टॉक्स आपके लिए चुन के लाए हूँ। टाइटन सेल करने की सलाह, टारगेट 865-858 के, स्टॉप लॉस आपको 874.70 का मेंटेन करके रखना है। एस्कॉर्ट्स बाय करने की सलाह दे जा रहा हूँ आपको 831-834.40 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 824 का लगा के चलना है। TV18 ब्रॉडकास्ट बाय करने की सलाह 66.45 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस 63.20 का लगा के चलना होगा आपको। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन सेल करने की सलाह दी जा रही है आपको 646-638 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 658 का लगा के चलना है। PC ज्वेलर्स सेल करने की सलाह दी जा रही है आपको, एक रेंज में अटक गया था PC ज्वेलर्स, हम देख रहे थे, हम शुरुआत में ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखा, फिर आखिरी के दौरों में एक रेंज में अटक गया था, पर आखिरी के कुछ मिनटों में हमने देखा कि उस रेंज को तोड़ के इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी और शायद इसमें एक सेल ऑफ बन सकता है कल के मार्केट में भी। 359-355 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस 370.20 का लगा के आपको चलना होगा। अब बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है पर मार्केट खुलते ही नहीं, क्योंकि हमने एक आपको मैं चार्ट्स में दिखाऊंगा एक ट्रेंड लाइन जो रेंज कर रही थी निफ्टी को, उस वहाँ पर जाके उसने क्लोजिंग दिया, बिल्कुल एग्जिट ट्रेंड लाइन में जाके उसने क्लोजिंग दिया निफ्टी ने। तो हम देख सकते हैं कि शायद वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। बाउंस बैक कहाँ तक जा सकता है? बाउंस बैक लेकर जा सकता है निफ्टी को 10,140 तक, वहाँ तक निफ्टी को लेकर जा सकता है। वहाँ तक पहुँचे आपको निफ्टी को शॉर्ट करके चलना है 10,165 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 10,075-10,040 मिल सकता है। अब बात करें कि पूरे वीक में फेड की इंटरेस्ट रेट की बैठक भी है, वो बताएगी कि मीटिंग में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और साल में कितने बढ़ेंगे, तो वो सारी बातें देखनी, और जो जियो पॉलिटिकल फैक्टर जो बन रहे हैं, जो ट्रेड वॉर हो रही है, जो WTO में उन्होंने कंप्लेन कर दी थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत से अदर जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से हमारी मार्केट भी स्टेबल नहीं कर पा रही है। और आपको मैं बता दूं तो डाउ जोन्स अभी जब खुला है तो नेगेटिव में खुला है, देखना है कि क्लोजिंग भी नेगेटिव में देता है कि नहीं देता है। और अगर हम अपने इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में जो PSU बैंक्स के जो चल रहे हैं वो अभी तक वही परेशानी चली जा रही है। क्रूड ऑयल की बात करें तो 66 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, अगर सस्टेन करता है तो हम देख सकते हैं कि शायद मार्केट वापस करेक्शन ले ले, और जो हम बात कर रहे हैं कि डॉलर की वो भी 65 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हम समझ सकते हैं मार्केट वापस गिरेगी। बहुत से ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी गिर सकती है। एक टेंशन और लगी हुई है जो इलेक्शन हुए थे, जिसमें इलेक्शन में
बीजेपी अपने ही जगहों में हारी है और एनडीए की सरकार जीत रही है। तो अब देखना ये है कि परेशानी ये आ रही है कि 2019 के चुनाव में जो अगर 2018 में भी वो चुनाव होते हैं तो हम देख सकते हैं कि शायद बीजेपी जीत पाएगी कि एनडीए की सरकार जीतेगी। तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ आपको बैंक निफ्टी का भी मैं बता दूं तो शॉर्ट करने ही की सलाह दूंगा मैं आपको। टारगेट आपको 24,180 के मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस 24,375 का लगा के चलना है। बैंक निफ्टी पे भी ऊपर मिले तो शॉर्ट करने ही की सलाह दी जाएगी आपको। ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे एक व्यूअर ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके स्ट्रैटेजी भेजी, तो मैंने जब इसे देखा तो मुझे बहुत सही लगी, तो मैंने आपके लिए यही स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। तो बाय करनी है आपको 24,800 की कॉल 42 रुपीज़ में एक लॉट, सेल कर रहा है आपको 25,000 का कॉल, तीन लॉट को सेल करना है 21,000 में। तो ये एक बुल स्प्रेड कॉल्स है, तो इसमें आपको मिलेगा क्या कि आपको अगर मार्केट स्टेबल रहती है तो आपको 21 रुपये का तो प्रॉफिट होना ही होना है, 21 रुपये इंटू जो लॉट साइज है। और अगर मार्केट नीचे गिरती है तो भी आपको 21 रुपये का प्रॉफिट होगा ही होगा। जितनी मार्केट नीचे गिरेगी तब भी आपको 21 रुपये का होगा, रेंज करेगी तब भी आपको 21 रुपये पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये जो आपका प्रॉफिट 21 रुपये है वो आपका 45 या 46 रुपीज़ का प्रॉफिट बन सकता है। तो ये एक कॉल रेशियो स्प्रेड है, इससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है विदाउट एनी लॉस। तो आपको मैं चार्ट्स की तरफ चार्ट्स देख पा रहे हैं निफ्टी का, तो इस चार्ट्स में आपको शो कर रहा हूँ कि मैंने जो ट्रेंड लाइन बनाई है आप देख सकते हैं। यहाँ से ये एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड कर रहा था, हम देख सकते हैं निफ्टी, और यहाँ से जो इसका लो था वो एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड कर रहा था। यहाँ इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद इसने बाउंस बैक दिया था, फिर एक ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद एक बाउंस बैक दिया था। तो हम देख सकते हैं कि इसने आज भी इस ट्रेंड लाइन को टच करा था, हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं। वो बाउंस बैक इसे 140-150 तक लेकर जा सकती है, वहाँ से शॉर्ट करने की ही सलाह दी जाएगी। अब कहाँ जा सकता है जो आपको बता रहा हूँ, -32-38.2% जो है 9,975 का लेवल, और उसके बाद अगर उसे क्रॉस करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 9,700 तक के लेवल्स भी हमें अचीव होते हुए देख सकते हैं। तो ये लेवल हमें अचीव होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो इतना रिस्क बढ़ गया, जो इतने सारे फैक्टर्स मैं आपको समझाया जा रहा हूँ, जियोपॉलिटिकल से लेकर टेंशन से लेकर हमारी इंडियन मार्केट की टेंशन, उसकी वजह से मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही है। और हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल्स में सस्टेन नहीं कर पा रहा और नीचे के लेवल्स में ही गिरे जा रहे हैं। आखिरी के कुछ मिनटों में देखा कि जो शॉर्ट्स लोगों ने बनाए थे वो कवर कर रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, तो शायद कल मार्केट अगर खुले तो थोड़ी ऊपर की तरफ खुले, तो आपको मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ ऊपर के लेवल्स में ही आपको शॉर्ट करना है, नीचे गिरे तो शॉर्ट नहीं करना, ऊपर के आने का वेट जरूर करिए। तो ये जो आपको मैंने वीडियो समझाई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए। जो मैंने आपको बताई है कि जो आपके मैंने स्टॉक सिलेक्शन करें उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपना खुद का टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, उसमें वो जो मैंने आपको इंडिकेटर स्ट्रैटेजी बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईजिली आप एक मिनट में आप पता लगा सकते हैं कि आपको उस टाइम खरीदना उस टाइम बेचना, बहुत ईजी स्ट्रैटेजी है। 5-10 मिनट की वीडियो, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, यहाँ पर आपको शो कर रही होगी ये वीडियो, और अगर आपको शो नहीं कर रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे चैनल में जाके आप जरूर इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल में। मिलते हैं, मैं शिवांश भसीन, कल मिलूंगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।